डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपने संस्थापक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आज गांधरबल में एक रोड शो और चुनाव अभियान चलाया। ये कार्यक्रम गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार केसर सिंह के समर्थन में आयोजित किया गया था। आजाद ने गांधरबल की सड़कों पर रैली का नेतृत्व किया और क्षेत्र के विकास, शांति और प्रगति के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए हजारों समर्थक कृतित हुए। भीड़ को संबोधित करते हुए आजाद ने गांधरबल के लोगों के समृद्ध भविष्य के लिए उनके समर्पण और दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मतदाताओं से केसर सिंह का समर्थन करने का आग्रह किया। ये कार्यक्रम एकता और प्रगति के आह्वान के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का लक्ष्य निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है। 370 के लिए ना किसी लीडर ने यहाँ बात की है, ना सिर्फ गुलाम नबी आजाद ने 6 तकरीरें पार्लियामेंट में की है और मेरी तकरीरों का ही जवाब होम मिनिस्टर पीएम ने दिया था कि हम स्टेटहुड देंगे। और नंबर 1, 370 और स्टेटहुड और काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, वो किसी और की हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हदूद में है। मैंने कई स्टेटों को स्टेट फूड दिलाई है, रिकमेंडेशन जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था होम का, वो सेंटर देता है स्टेट फूड देता है। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी उत्तराखंड और यूपी के दो हिस्से हुए थे, बिहार और यूपी की, वो भी पार्लियामेंट नहीं था। सो स्टेट हुड पार्लियामेंट, स्टेट 370 पार्लियामेंट, एमएलसी पार्लियामेंट, ये नहीं कि आज मोदी है, कोई भी होगा जिसका 2/3 अक्सरियत होगा। अब कब 2/3 अक्सरियत होगी, अल्लाह करे के अगले कुछ 10-20 सालों में हो। हार्ड स्टैंड किसी भी हार्ड स्टैंड के खिलाफ हो जी, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात कहने का फ्रीडम होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट क्या कर सकती, सेंटर क्या कर सकती, लेकिन इन बातों से, तलख बातों से कुछ नहीं निकलता। कोई स्टेट का लीडर दे या सेंटर का, हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए और सेकुलर जबान होनी चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। हमारे सामने हिंदुस्तान के जितने धर्म है, मजाहब है, एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इवन सेकुलरिज्म that goes without saying. The name of my party is Democratic Progressive Party. So it has to be democratic. Because everybody has won freedom against autocracy. But they are implementing autocracy, every leader, whether Delhi or in our state. So I am against autocracy. What is autocracy? I have said my son, my daughter will not be chief minister. They will not be MLAs. But if I fight autocracy, then continue myself autocracy. So there is not democracy. This is what I have said, democracy. And then progressive. As a progressive, what is the progressive? I don't believe in casteism. I don't believe in regionalism. I don't believe in communalism. So my brand and my party's brand is progressive. We want progress of the country, progress of the nation, progress of everybody, whichever religion he or she may belong to, whichever caste he or she may belong to. So the name of my party, I don't pursue like others. The Congress has fought the British rule, doing cutlery. Some other parties have fought